इंसानियत को शर्मसार करती दो घटनाएं बिहार के मोतिहारी जिले में सामने आई हैं, जहां एक 12 साल की लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ, वहीं एक और लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार की ऐसी घटना घटी जिसने दिल्ली के निर्भया कांड की याद दिला दी। मोतिहारी में दिल्ली के निर्भया कांड की पुनरावृत्ति हुई है। बिहार के मोतिहारी जिले में दो लड़कियों के साथ गैंगरेप की अलग अलग घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें से एक लड़की की उम्र 12 साल की है। पीड़ित पटना के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही है। लड़की के परिजनों के मुताबिक लड़की बाग से आम तोड़ने गई थी, जब उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उधर लड़की के परिजनों का कहना है कि उन पर केस वापस लेने के लिए दबाव बनाकर धमकाया जा रहा है। दूसरी घटना में पीड़िता जब शौच करने खेत में जा रही थी, तभी आरोपी ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया और उसका वीडियो बना लिया। पीड़िता ने जब इस बात की जानकारी अपनी मां को दी तो मां ने आरोपी के घर जाकर विरोध जताया। इसके बाद आरोपी ने अपने घर के 4 सदस्यों के साथ मिलकर लड़की के साथ गैंगरेप किया। पीड़िता अभी भी नाजुक हालत में मोतिहारी सदर अस्पताल के बेड पर जीवन और मौत के बीच झूल रही है। लड़की के परिजन हर आने जाने वाले से इंसाफ दिलाने की गुहार लगा रहे हैं। अभी तक ले पुलिस कुछ भी नहीं इसको इंसाफ करते है, नहीं पकड़ते हैं, नहीं कुछ भी करते हैं। मेरे मजबूरी हाथ है, हमारे लोग के कुछ ही इंसाफ नहीं करते है। सामाजिक कार्यकर्ता एवं अधिवक्ता ममता रानी वर्मा ने पीड़िता और उसके परिजनों से सदर अस्पताल में मुलाकात की। बिहार में सुशासन का दम भरने वाली सरकार के सभी दावे ऐसी घटनाओं के बाद खोखले नजर आने लगे हैं, जहां गरीब बच्चियों और लड़कियों की जिंदगी की ना तो कोई सुरक्षा है और ना ही कोई कीमत। न्यूज़ 9 डेस्क, DD न्यूज़।